दोस्तों, मैं हूँ हाशिम गजार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साथ पर। देख पा रहे होंगे आप KTM 200 वाला वर्जन है दोस्तों, BS6 से है। और इसमें दिक्कत आ चुका है, ये गाड़ी देख पा रहे होंगे पूरा तरह से ओपन है। यहाँ पर किसी गैरेज से लाया गया है और ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। किस तरह का दिक्कत हुआ हम बताएँगे आपको। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सीट लगा के और इसको चला के लाया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं टंकी बोल्ट भी खुला हुआ है और इस जगह पे तो टंकी बोल्ट फंसाया हुआ है दोस्तों। इसको हम चेक करेंगे पहले क्या दिक्कत है इसमें। तो प्रॉब्लम इस तरह का है, गाड़ी जो है आइडल में रुकता नहीं है। गाड़ी आइडल में नहीं रुकता है, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और दोस्तों, अगर गाड़ी रेस करके चलाते हैं तो हमारा RPM जो है ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ मीटर में भी शो करता है। यहाँ पर तरह का है दोस्तों प्रॉब्लम, पहले आपको बता दूँ क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। मैकेनिक भाई हमारा बहुत परेशान था, देख पा रहे हैं पूरा तरह से गाड़ी ओपन है और नहीं हो पाया, तो मजबूरन यहाँ उसको भेजना पड़ा दोस्तों। तो यहाँ पर बता दें प्रॉब्लम किस तरह से, चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे यहाँ पर और आपको पूरा लाइव बताएंगे क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे, देख पा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो जाती है। और गाड़ी को अगर हम इस तरह से स्टार्ट रखेंगे और RPM में रखेंगे इस तरह से, देख पा रहे होंगे वापस बंद हो गई दोस्तों। सलू में गाड़ी रुकता ही नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम एक्सीलेटर पकड़े हुए हैं, देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर वापस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, गाड़ी स्टार्ट है और ये हमारा चेक इंजन लाइट भी नहीं जा रहा है। गाड़ी में दिक्कत कहाँ है दोस्तों वो हम बताएंगे। तो वापस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो हम एक्सीलेटर को यहाँ पर देख पा रहे हैं पकड़ के रखा हूँ गाड़ी रेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है RPM ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से सेक्ट्रेट होता है। अगर एक जगह से हम फोटो पकड़ के रखते हैं इस तरह से, तो ये हमारा प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करता। इसको एक जगह पर रुकना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं सिलेंडर को हम छोड़ेंगे जैसे, वैसे ही हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये चेक इंजन लाइट भी हमारा नहीं जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ से वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो है हमारा BS6 गाड़ी है और टोटल बॉडी वाला जो भी गाड़ी है सब में यूज रहता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है वो बताइए। गाड़ी जो है आइडल में नहीं रुक रहा है दोस्तों, और गाड़ी अगर हम चलाते भी है रेस करके तो हमारा RPM ऊपर नीचे होते रहता है। और गाड़ी का पिकअप भी सही तरीका से नहीं देता है। तो इस तरफ से हम आपको बताते हैं दिक्कत कहाँ पर है। गाड़ी पूरा तरह से ओपन किया था अगला मैकेनिक ने, लेकिन उसको समझ में नहीं आया और करीब 4 दिन परेशान रहा इसमें, उसका टाइम वेस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखा दे, यहाँ पर भी बोल्ट चेंज कर दिया गया है क्योंकि इसने चाहा होगा कि हम इसको रेस करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से भी अगर हम रेस करेंगे गाड़ी को तो हमारा ट्यूनिंग रुकने वाला नहीं है, चाहे तो वो अचानक से बंद हो जाएगा या नहीं तो हमारा RPM जो एकदम ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से सेट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब गाड़ी का काम करने के लिए इंसान को थोड़ा सा समझना ज़रूरी रहता है, नहीं तो क्या है फोकट का दिन पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर दिख पा रहा हो दोस्तों, ये हमारा जो टोटल बॉडी में अटैच है ये हमारा स्टेपर मोटर है और इसी का काम रहता है हमारा आइडल में गाड़ी को रोकना, प्लस एक्सीलेटर छोड़ने के बाद आइडल में जब गाड़ी आता है तो यही काम करता है दोस्तों। और यही हमारा डैमेज हो गया है जो हमारा RPM ऊपर नीचे हो रहा है और हमारा आइडल में गाड़ी नहीं रुक रहा है, बंद पड़ जाती है। गाड़ी में पिकअप का भी इशू हो जाता है क्योंकि ये काम करता है हमारा पावर के हिसाब से। तो इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको हम ओपन करेंगे और लाइव बताएँगे कि गाड़ी में मैकेनिक भाई इतना परेशान था और किस तरह की परेशानी है, किस जगह से दिक्कत है दोस्तों, वो हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे लिंकी के मदद से, स्टार लिंकी आता है। तो इसको ओपन करने से पहले हम यहाँ टंकी को जो है यहाँ ओपन कर लेंगे, इस तरह चाबी को निकाल देते हैं और टंकी को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। सब फंसाया हुआ है देख पा रहे हैं इसी तरह से, और यहाँ पर दिखा दें आपको जगह पर टंकी को ओपन कर लेंगे डायरेक्टली और लाइव आपको बताएँगे यहाँ पर। तो इस तरह इसको हम बाहर ले लेंगे इस तरह, देख पा रहे हैं कंप्लीट हमारा जो है कंप्लीट निकल चुका है इस जगह पे। तो दोस्तों, आपको बता देंगे यहाँ पर किस तरह से रहता है, यहाँ पर जगह कम रहता है तो यहाँ पर इस तरह से घुमा के आपको बता दें।
ये जो है हमारा स्टेपर मोटर यहाँ पर लगा हुआ है और ये इसका क्लिप है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे इस तरह से। और इसको जो है यहाँ से खोल देंगे, एक पान वो निकल चुका है। और उसके बाद हम ये हमारा अलग हो चुका है दोस्तों, और स्टेपर मोटर को जो है हम यहीं से खोल के बाहर निकालेंगे। टोटल बॉडी को हम बाहर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ओपन करेंगे और बाहर के और निकालेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों किस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा एलेंकी है, देख पा रहे होंगे, और ये स्टार एलेंकी है। इस तरह का एलेंकी सारा यूज होता है, जितना BSE बाइक आ रहा है सब में इसी तरह रहता है। तो इस एलेंकी के मदद से हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइट रहता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा टफ रहता है खोलना। ये देख पा रहे हैं ये हमारा इस तरह से दोनों स्क्रू हमारा ओपन हो चुका है। इस तरह से हम दोनों को निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ता है। ये हमारा निकल चुका है और ये है हमारा स्टेपर मोटर, इसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो है दोस्तों प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है और इसी का प्रॉब्लम है। तो ये हमारे को नया डालना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको लाते हैं नया और इसमें डालते हैं, आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेपर मोटर को हम ला चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा पुराना वाला स्टेपर मोटर है और ये हमारा नया वाला है। तो इसको हम ओपन करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से। तो यहाँ पर दिखा दे, ये KTM का ओरिजिनल है, दिख पा रहा होगा आपको। तो दोस्तों डी माल नहीं डालना है और डी माल कोई भी यूज नहीं करना, ये सब मेन पार्ट होता है दोस्तों। तो बहुत दिक्कत से ये हमको मिला है। तो यहाँ पर दिखा दे, ये है स्टेपर मोटर, दोनों सेम है, दिखने में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर कॉर्ड बता दे आपको, बारीकी से देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं 8 1 8 4 7, और इसमें दिखा दे, साफ साफ दिख पा रहा होगा आपको 1 8 4 7। तो ये कोड नंबर हमारा सेम है, बाकी इधर का नंबर डिफरेंट है, उससे दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा दोस्तों फिटिंग करने से पहले आपको बता दे, इस तरह का इशू आता है, हमारा मैकेनिक भाई लोग परेशान होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमारा नया वाला है और ये हमारा पुराना वाला है। तो इसको हम लगा के एक बार आपको चेक कराएंगे वर्क किस तरह से करता है। चाबी जब हम ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों तो ये हमारा वर्क करता है। तो इस तरह से इसको हम पहले वायर में अटैच कर देंगे, क्योंकि टंकी को भी यहाँ फंसा चुके हैं इस तरह से। प्रॉपर तरह से यहाँ बैठ चुका है, हमारा लॉक हो चुका है। और यहाँ पर लाइव बताएंगे, चाबी को ऑन ऑफ करेंगे तो ये अंदर और बाहर होगा। तो चाबी हमारा ऑफ है, तो यहाँ पर हम लाइव बताएंगे दोस्तों। इसलिए बता रहे हैं कि हमारा भाई लोग वर्किंग नहीं समझ पाते हैं, क्या वर्क करता है, किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको बताते हैं इस तरह से चाबी को ऑन करेंगे तो यहाँ आपको देखना है, देख पा रहा होगा ये हमारा इस तरह से वर्क करता है। ये ऑफ किए, बाहर आ गया, फिर ऑन करेंगे, दिख पा रहा होगा प्रॉपर तरह से दिखा दें। चाबी हमारा ऑन है, ये ऑफ किए, बाहर की ओर आया, और ऑन करेंगे तो अंदर बाहर होगा, देख पा रहे हो यहाँ पर। तो इस तरह से वर्क करता है दोस्तों, चाबी ऑफ कर डाले हैं तो ये पर हमारा है प्रॉपर तरह से वर्क नहीं रहा कर रहा है, ये हमारा सही काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या कमी हो बता दें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा नया वाला है, तो नया वाला देख पा रहे हो इतना अंदर है दोस्तों, और ये हमारा बाहर है, यहाँ पर दिख पा रहा है। तो दोस्तों इसमें दिक्कत है, हम नया वाला को इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों नया वाला हम फटाफट फिट करते हैं इसके अंदर, इसको फिट करेंगे दोस्तों। इस तरह से हम वायर को कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं नया वाला हमारा है, और इसको प्रॉपर तरह से यहाँ अंदर लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि टंकी को हम लगा दिए हैं और इधर से हम टाइट करेंगे इसको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बैठ चुका है स्टेपर मोटर हमारा, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। और ये स्क्रूप होता है, तो दोनों स्क्रूप को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर बैठ चुका है हमारा स्टेपर मोटर, और दो बोल्ट स्क्रूप होता है दोस्तों, स्टार लिंक के स्क्रूप होता है, इस तरह से देख पा रहे हैं इसको। इस तरह से यहाँ पर हम लगाएंगे दोनों। देख पा रहे होंगे, और दोनों को हम ये स्टार लिंक की मदद से टाइट करेंगे। यहाँ
यहाँ पर स्टेपर मोटर जो है हमारा परफेक्ट तरह से टाइट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसका क्लिप को भी हम लगा चुके हैं। और मैं बताएंगे आपको जब इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो कैसे चेकआउट करना है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो दोस्तों हम स्टेपर मोटर को लगा चुके हैं और ये BS6 गाड़ी है, तो सबसे पहला हम काम करेंगे यहाँ पर चाबी को इस तरह से ऑन ऑफ करेंगे 3 से 5 बार। तो यहाँ पर लाइव बता दें आपको, यहाँ पर की स्विच जो है ये ऑन रखेंगे यहाँ पर, और इस जगह पे 1 2 3 4 5 और गाड़ी को हम करेंगे स्टार्ट और देखेंगे हमारा आइडल में कहीं रुकता है नहीं रुकता है, और ये चेक इंजन लाइट जाता है या नहीं जाता है। तो गाड़ी को हम डायरेक्टली मारेंगे स्टार्ट यहाँ से इस तरह से। तो गाड़ी हमारा स्टार्ट है और चेक इंजन लाइट हमारा जा चुका है, और यहाँ पर आपको दिखा दें दो तरह का फेटलाइट नहीं रहते, परफेक्ट रहा हमारा नहीं रुक रहा है, तो इसी नहीं देख पा रहे होंगे। तो परफेक्ट तरह से हमारा काम हो चुका है, इस तरह से देख करके बता दें आपको। फुल रेंज दे रहा है, कोई तरह का इशू नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर तरह से हमारा कोई तरह का फेटलाइट नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट तरह से हमारा काम कर रहा है। इस तरह से हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, गाड़ी को ऑफ करके। दोस्तों गाड़ी का जब कोई इशू रह जाता है और हमारा चेक इंजन लाइट ब्लिंकिंग करते रहता है, तो हमारे को इसमें कनेक्टर ओपीडी लगा के उसको ये करना पड़ता है दोस्तों। पर इस तरह से इशू नहीं था इसमें, अभी परफेक्ट तरह से हो चुका है। तो आप देख पाए होंगे इसका जो है स्टेपर मोटर को हम नया डालें और उसके बाद भी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा काम हो चुका है, और इसका जितना भी पैनल सारा है सब कुछ लगाएंगे, गाड़ी का कस्टमर को दे देंगे। तो मेन हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। एक बार और बता दें, क्योंकि इस तरह से क्रिएट बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा था दोस्तों, और अगला मैकेनिक जो था बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो एक बार और हम स्टार्ट करेंगे इसको, चाबी को ऑन करेंगे इस तरह से और लाइव बताएंगे आपको, और यहाँ पर सेल्फ यूज़ करेंगे। एक बार में एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट जा चुका है, और यहाँ पर कोई तरह का हमारा फेटलाइट नहीं हो रहा है, अगर पूरी परफेक्ट तरह से रुका है। इस तरह से हमारा काम फाइनली हो चुका है, गाड़ी को ऑफ करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम टेक्निकल वीडियो अपने चैनल में डालते रहते हैं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक ये वीडियो यही करते हैं।